नमस्कार साथी, दो क्लास हो गए, आप तक पहुंच गया और आप क्लास कर रहे होंगे। लगातार आपको समझ में आ रही होगी बायोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। पहला क्लास में था इंट्रोडक्शन, दूसरे क्लास में आया आपका आरएच वाइटेकर का जगत, जिसमें मोनेरा किंगडम के बारे में मैंने पढ़ा बहुत अच्छे से, और लास्ट क्लास साइनोबैक्टीरिया तक आया था, ब्लू ग्रीन अलगी। साथ ही हम लोग वहां से कंटिन्यू बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया ही के समूह से है। साइनोबैक्टीरिया की विशेषता ये है कि साइनोबैक्टीरिया को ही माना जाता है कि ये वायुमंडल का निर्माण में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इसके पास क्षमता थी नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ठीक साथ ही आज हम बात कर लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम भी है क्या, तो जी हाँ साथियों, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन अलगी, यानी ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, तो नीला हरित शैवाल, अलगी मतलब शैवाल, तो नीला हरित शैवाल के नाम से साइनोबैक्टीरिया को जाना जाता है। मुख्य बातें थोड़ा जान लीजिए। इससे पहले चार साइंटिस्ट जीवाणु के बारे में आया। एक तो जो साइंटिस्ट था जो बैक्टीरिया को खोजा और कह दिया क्या, सूक्ष्म जीव, टाइनी एनिमल मैक्यूल्स, ठीक है, ये कहने वाला एंटोनी वॉन लीवेनहुक था, जो 1683 के रेस्पेक्ट में आता है। उसके बाद आता है साइंटिस्ट जिसने बैक्टीरिया नाम दिया, जीवाणु नाम दिया, वो आपका कौन था साइंटिस्ट, बिल्कुल ठीक है, रिविजन, हाँ बोलिए कौन था, एहरनबर्ग, बहुत अच्छा, गुड, एक्सेलेंट। एहरनबर्ग ने आया और बैग जो एंटोनी वन लिवेनहुक ने कहा था, क्या कहा था कि ये छोटा क्या है, सूक्ष्म जीव है, उसको जीवाणु कहा। उसके बाद आता है साइंटिस्ट जो किण्वन पे प्रयोग किया, जिसका नाम था लुईस पाश्चर। उसके बाद आता है साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच, जिसने बताया कि इससे बीमारी होता है, और जानवर में जो बीमारी हुआ उसका भी नाम बताया कि एंथ्रेक्स जो है जीवाणु से होने वाला बीमारी है, और मानव में जो बीमारी हुआ उसका भी नाम बताया कि मानव में होने वाला बीमारी क्या है, तो ट्यूबरकुलोसिस और हैजा का नाम कौन बताया, रॉबर्ट कोच ने बताया। तो साथ ही यहां तक क्लियर हुआ, और वहीं पे मैंने बता दिया कि जीवाणु के कुछ जीवाणु होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं कोशिका भित्ति, और कुछ जीवाणु जो होते हैं किसका, सेलुलोज का बना होता है। तो वही हम लोग आज बात करेंगे कि कौन सा जीवाणु है जो फॉस्फोलिपिड्स का है, और जीवाणु में समानता एमिनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड्स पाया जाता है, ये थोड़ा नोट करके लिख लीजिएगा, जीवाणु में पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड्स पाया जाता है, जिसके कारण जीवाणु की जो शरीर होते हैं दृढ़ होता है, हार्ड होता है, टफेस्ट होता है, ये थोड़ा सा बात रखिएगा माइंड में, ठीक है। चलिए आइए बात कर ले हम लोग साथी साइनोबैक्टीरिया की। किसकी बात कर ले, साइनोबैक्टीरिया नीला हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी, नीला हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको आप कहेंगे क्या, बोलिए, साइनोबैक्टीरिया। साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि आखिर ये होता कहां, पाया कहां जाता है, तो थोड़ा सा माइंड में रखिए बात, जो साइनोबैक्टीरिया जो सामान्यतः होता कहां है, यानी साइनोबैक्टीरिया का ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए, साइनोबैक्टीरिया को बुलाता है पृथ्वी का सफलता जीवधारियों का समूह, पृथ्वी का सफल जीवधारियों का समूह किसको कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि पृथ्वी का सफल जीवधारी, सफल जीवधारी कौन है, बोलिए, साइनोबैक्टीरिया सफल जीवधारी। वही साथ ही आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, कि आखिर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी रहता कहां है, यह समानता जो है जलीय है, जलीय जंतु है, जल में रहता है, क्या रहता है, जल में। इसकी आवाज पूछे अगर आपसे, आवाज कहां आता है, ये जल में रहता है, ठीक है ना, जल में मुख्यतः, ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है, इक्विटी। इसमें पोषण कैसे होता है, तो पोषण आप लिख सकते हैं स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन ये करता है। जब स्वपोषी होगा तो इसमें पाया जाएगा क्या, क्लोरोफिल, तो लिखिए क्लोरोफिल रहित, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब साथ ही पूछे क्या क्लोरोफिल जो इसमें पाया जाता है, तो इसमें जो क्लोरोफिल है तो क्या जो पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है उसी तरह होता है, नहीं, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला क्लोरोफिल प्लांट्स में पाए जाने वाले क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग है, ये थोड़ा सा माइंड में आप रख लीजिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, क्लियर हुआ, चलिए दूसरा बात आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा,
इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, इसमें हाइड्रोजन इसको चाहिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हाइड्रोजन ऊर्जा का स्रोत चाहिए, इसमें जो है ये हाइड्रोजन कहां से उत्पन्न करता है, तो लिखिएगा इसमें इसको ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा के लिए चाहिए हाइड्रोजन। कहां से लेता है ये, ये जल से लेता है, जल से लेता है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन जल से लेता है, फिर साइनोबैक्टीरिया का। दूसरा बात इसमें याद रखिए, क्या इसमें कोशिका अंग पाई जाती है, कोशिका अंग, तो आप लिखेंगे नहीं। कोशिका अंग, कोशिका अंग कौन कौन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेल्यूलोज हो गया, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसी को हम लोग कोशिका अंग कहते हैं, जो आपके अंदर पाया जाएगा तो आपका अंग कहलाएगा। जैसे लीवर, बताइए मानव शरीर का अंग है कि नहीं है, तो शरीर के अंदर है, ठीक है। और जो बाहरी होगा, तो एक होता है आंतरिक अंग और एक होता है बाहरी अंग। जो शरीर के अंदर है उसको शारीरिक अंग कहेंगे, और जो शरीर के बाहर है वो बाहरी यानी आंतरिक अंग, अंदर वाले को आंतरिक अंग और बाहर वाले को बाहरी अंग। शरीर, हाथ भी तो शरीर का ही अंग है, तो ये कहना उचित नहीं होगा, शारीरिक अंग आंतरिक अंग और बाहरी अंग, जो शरीर के बाहर बाहरी, जो शरीर के अंदर आंतरिक, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक। आपसे अगर पूछा जाएगा क्या इसके अंदर आनुवंशिकी गुण पाया जाता है, हाँ आनुवंशिकी गुण डीएनए पाया जाता है, तो आप लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन कहां से बनेगा, आनुवंशिकी हेरिडिटी जो है कैरेक्टर, आनुवंशिकी गुण, ठीक है, पाया जाता है जो डीएनए के रूप, यानी डीएनए पाया जाता है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया का जो कोशिकाएं भित्ति होती है वो किसका बना होता है, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज का बना होता है, किसकी बना होता है, सेल वॉल लिख लें हम, सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का, बस इसको अंडरलाइन करिए। क्वेश्चन बने पूछेगा कि साइनोबैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, आंसर आना चाहिए कटाक्ष क्या, सेल्यूलोज का। क्वेश्चन पूछे और आंसर आ जाना चाहिए, मतलब बस एक लब हिलाने का गैप होना चाहिए, क्वेश्चन दिखा आंसर बना, ये इस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप पूरी बातें पूरी कहानी आप सुन लेंगे तो बस बोलने और सुनने के बीच का ही गैप होगा, यूं सुना नहीं कि यूं बोला, मतलब ठीक उसी तरह से जब आप कोई चीज किसी को बोलते हैं और अपेक्षा रखते हैं उतना ही क्विक सुनने का हेलो, उधर से भी हेलो की आवाज आनी चाहिए, नहीं आता तो आप मोबाइल पीटते हैं, कहते हैं मोबाइल में मेरा डिस्टर्ब, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, तो नेटवर्क, ठीक उसी तरह किताब के अंदर जो प्रश्न है या एग्जाम में जो आने वाला प्रश्न है उस प्रश्न के बीच और आपके माइंड के बीच बस उतना ही गैप होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि आंसर क्लिक टिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहां तक क्लियर हुआ, आगे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसके अंदर जो है क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन की गुण होती है क्या, तो होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पावर होता है इसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, करता है, ठीक है। वही अगर साथी आपसे अगर पूछ दे, क्या पूछे कि इसका क्षमता भी है क्या, कुछ किस चीज का, वायुमंडल के निर्माण में साइनोबैक्टीरिया का योगदान है क्या, तो जी हाँ साथी है, तो आप कह सकते हैं वायुमंडलीय जीव के नाम से भी जाना जाता है, वायुमंडलीय जीव के नाम से, यानी ये एग्जिस्ट किया तभी जाकर के यानी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ा, और जब जैसी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो मिट्टी की जो है उर्वरता शक्ति बढ़ेगी। इसके एक एग्जाम्पल है नोस्टॉक, नोस्टॉक आपने नाम सुना होगा, नोस्टॉक, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप लिख सकते हैं नोस्टॉक, क्या लिखेंगे, नोस्टॉक लिखेंगे, ठीक है साथी, यहां तक के लिए हुआ। चलिए वहीं पे बात कर ले, अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है पोषण जो होता है स्वपोषी पोषण होता है, इसको आत्मनिर्भर जो है आत्मनिर्भर स्वपोषी पोषण के नाम से जाना जाता है, मतलब ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्वपोषी करता है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, कभी कभी आप लाल सागर को देखते होंगे कि लाल सागर का रंग लाल क्यों है, तो लाल सागर का रंग लाल होने के पीछे भी कहानी है साइनोबैक्टीरिया की, लेकिन उसमें जो पाया था उसका नाम क्या होता है, तो लिख लीजिए, यानी नोट करके लिख लें, आप नोट करें या एस जेड पॉइंट कर ले, एस जेड पॉइंट करें, कमेंट करके जरूर बताओगे एस जेड का मतलब क्या होता है, एस जेड पॉइंट, ठीक है। तो लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है, लाल सागर का रंग
लाल होने के पीछे इसी का हाथ है, वो कौन सा हाथ, इसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम याद रखिए है ट्राइकोडेशियम, ठीक है, ट्राइको ट्राइको डेशियम एरिथ्रियम एरिथ्रियम। इसके कारण जो होता है लाल सागर का रंग लाल होता है। तो साथी आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ होगा साइनोबैक्टीरिया से संबंधित, ठीक है ना? कोई दिक्कत आप इसमें, कोई प्रश्न छूटने वाला आपका इसमें नहीं है। किसका बना होता है? सेल्युलोज का बना होता है। क्या इसमें कोशिकाएं अंग पाई जाती है? नहीं, आनुवंशिकी गुण होता है, डीएनए होता है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे क्या? एक मूवी था डीएनए, डीएनए का उसने जो है क्या कहते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म बता दिया था। क्या बताया था? डीएनए फॉर, चलो डैड, एन फॉर नाजायज और ए फॉर औलाद, मतलब वो अलग चीज बता दिया था कि डैड का नाजायज औलाद। एक मूवी, तो मूवी की कहानी जो होती है उसकी दुनिया ही अलग होती है, उसकी जो है तुलनात्मक रियल जिंदगी से नहीं किया जा सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म जो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। आप लोग भी डैडी का नाजायज औलाद मत कह दीजिएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है डीएनए का फुल फॉर्म का। चलिए वहीं पे साथी अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, ये सब कहानी आपका जीवाणु का हो गया, जीवाणु एक्सिट्रोमाइसेट्स साइनोबैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, सब यहां तक क्लियर हो गया। अब आती है बात, अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु को आकार के आधार पे, आकृति के आधार पे क्लासिफाई किया गया क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ साथी, यानी अब हम बात करेंगे आगे क्या, जीवाणु आकार के आधार पे, आकार के आधार पर चार तरह के, कितने तरह के? चार तरह के। एक होता है रॉड नुमा, रॉड शेप, सिलिंड्रिकल शेप, है ना, और एक होता है स्फेरिकल, और एक होता है स्पाइरल, ठीक है ना, और एक होता है विब्रियो। क्या होता है? विब्रियो या कॉमा कह लीजिए, स्पाइरल या कॉमा, सॉरी विब्रियो और कॉमा। जो रॉड नुमा होता है इसको बोला जाता है बैसिलस, यानी जो सिलिंड्रिकल आकार का होता है जीवाणु उसको बोला जाता है बैसिलस। क्या बोला जाता है? बैसिलस। तो ये थोड़ा लिख लीजिए, यानी रॉड शेप का जो होता है वो बैसिलस है। आपसे पूछा जाएगा क्या? बैसिलस। आकार के आधार पर जीवाणु को कितने पार्ट्स में बांटा गया? तो आकार के आधार पर जीवाणु को चार पार्ट्स में बांटा। एक का नाम था रॉड, उसको बोला गया बैसिलस, मतलब सिलिंड्रिकल आकार का था, बेलनाकार था। दूसरा था स्फेरिकल, तीसरा था स्पाइरल। स्फेरिकल को बोला गया कोकस। क्या कहा गया? कोकोस कहा गया, ठीक है। ये जो है गोलाकार होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इन चारों में सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन होता है, तो आप लिख लीजिए कोका, जो भी गोलाकार होगा वो सबसे छोटा होगा, तो ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। जो सिलिंड्रिकल होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। स्पाइरल, तो इसमें जो बैक्टीरिया का जो आकार होता है कुछ स्पाइरल नुमा, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? बोलिए, इसको बोला जाता है, नाम से ही है, स्पाइरलाई, ठीक है। और ये जो है कोमा, कोमा ही नाम है, ठीक है, या इसी को विब्रियो भी कहा जाता है। विब्रियो इंग्लिश में जो कोमा दिया जाता है कुछ इस प्रकार, तो इस शेप का होता है। तो साथ ही आप थोड़ा सा इसको माइंड में रख लीजिए कि बैक्टीरिया को आकार के आधार पे वर्गीकरण किया गया, जो निकल करके आया चार प्रकार का, जिसमें सबसे छोटा जो है स्फेरिकल शेप का हुआ, जिसको कोकस कहा गया। कोकस कहीं लिखा रहेगा उसमें बैक्टीरिया का जो साइज होगा, यानी बैक्टीरिया का जो शेप होगा वो शेप स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा, ठीक है साथी। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं जीवाणु में पोषण, जीवाणु में पोषण कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालेंगे अब, जीवाणु में पोषण। चलिए तो जीवाणु में पोषण कैसे कैसे होता है बताइए। जीवाणु में पोषण लेने का आधार जो है, एक तो है स्वपोषी, क्या है, और एक होगा रसायन संश्लेषण, और एक होगा क्या, परपोषी। तीन तरह से होते हैं। एक होता है स्वपोषी,
ठीक है, और एक है, बोलिए। हाँ सौ पोषी और दो हटाई दी नहीं, एक का ले लीजिए, इसको हटाओ। एक है सौ पोषी, एक है विषम पोषी। विषम पोषी, सौ पोषी मतलब समझ रहे होंगे, यानी खुद से भोजन तैयार करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सौ पोषी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, सौ पोषी कहेंगे। जो खुद से तैयार करेगा उसको हम लोग सौ पोषी कहेंगे। तो इसमें जो होगा दो तरह से होगा, कलर चेंज करता हूं, होता क्या है, नहीं ऐसा क्यों होता है। हाँ ठीक, इसमें दो तरह से होता है स्वपोषी। एक तो प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बनावेगा और एक रसायन से भोजन बनावेगा, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि रसायन से आर्ची बैक्टीरिया जो है बनाया था, मेथेन गैस बनाया था, अमोनिया बनाया था, हाइड्रोजन सल्फाइड्स। इसको हाईलाइट करिए, क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी टीचर वाला में और भी एग्जाम में पूछा है। इस तरह से सीजीएल की बात करेंगे, एनटीपीसी की बात करेंगे, ठीक है, और बैंकिंग की भी बात करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, सारे के एग्जाम का क्वेश्चन का बैंक आप उठा लीजिए, सीजीएल का हो कि यूपीएससी का हो कि आपका बीपीएससी का हो या बीपीएससी ट्री का हो, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की बात करेंगे, जिस एग्जाम की बात करें क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपसे, छूटेगा एक भी नहीं। वहीं आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो नीट के भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करें। लेकिन आप नीट के विद्यार्थी नहीं, जनरल कंपटीशन के, तो जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे कमिटमेंट वादा करता हूँ और भरोसा भरोसा दिलाता हूँ। भरोसा झूठी भरोसा नहीं है, सच्ची भरोसा है। आप एक बार देख ले, ईमानदारी से सुन ले, पढ़ ले, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लेकर के आए, ठीक है। तो एक है प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषी यानी प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा है रसायन, ठीक है, रसायन संश्लेषी, संश्लेषी, ठीक है, रसायन संश्लेषी। विषम पोषी में आएगा क्या, परजीवी, मृतजीवी, ठीक है, और सहजीवी। ये थोड़ा माइंड में रख लीजिए, डायग्राम माइंड में रहना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का जरूरी होना है, लेकिन इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो बिल्कुल प्लांट से अलग पाया जाता है। तो ये थोड़ा आप सा माइंड सा रख लीजिए, क्या रखिएगा बोलिए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन प्राप्त करते हैं उसके कुछ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, उस बैक्टीरिया का थोड़ा सा नाम लिख लीजिए तो सही रहेगा, उदाहरण लिख लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जो जिस बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। इसका कुछ एग्जाम्पल है क्रोमैटियम, क्या नाम है, क्रोमैटियम, ठीक है। चलिए, ये क्रोमैटियम उदाहरण है किसका, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का। वहीं पे दूसरा भी उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास, नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास, या रोडोस्पिरिलम, 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 ये थोड़ा रख लीजिए। रसायन संश्लेषी जो रसायन के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है उसको हम लोग कहते हैं रसायन संश्लेषी। इसके जो कुछ उदाहरण है, इसके कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए, नाइट्रोबैक्टर, जीवाणु का एग्जाम्पल लिख लीजिए नाइट्रोबैक्टर, ठीक है साथी। वहीं पे कुछ उदाहरण आप ले लीजिए, नाइट्रोबैक्टर हो गया, उसके बाद आप कुछ जो है नाइट्रोसोमोनास दूसरा एग्जाम्पल है, नाइट्रो, नाइट्रोसोमोनास, सोमोनास। देखिए यहां पे साथी आपका क्या आया, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, ये नाइट्रोजन जो है हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में पढ़ते हैं, रसायन की दुनिया में पढ़ते हैं, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि इसमें जो पोषण होगा प्रकाश संश्लेषी नहीं, रसायन संश्लेषी होगा, यानी रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन बनावेगा, जिसका उदाहरण है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, थोड़ा माइंड में रख लीजिए। वही बात कर ले साथ ही, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि परजीवी बैक्टीरिया कौन कौन है, तो परजीवी बैक्टीरिया का कुछ उदाहरण है आप लिख लीजिए। माइकोबैक्टीरियम जो है ये शरीर के अंदर पाया जाता है, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो है जहां पे पाचन क्रिया होती है, आप सभी के अंदर अगर वो बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा तो पाचन क्रिया नहीं होगी, उसको नाम है माइकोबैक्टीरियम, क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम, परजीवी। जिसमें परजीवी कहते क्या है, एक दूसरे जीवित से भोजन को प्राप्त करना, मतलब काम करेगा अगला और फायदा उठावेगा दूसरा, इसी को कहा जाता है
परजीवी, ठीक है, यानी बने रहो पगला काम करेगा अगला, ये कहानी है परजीवी के साथ, ठीक है। परजीवी के साथ मतलब माइकोबैक्टीरियम जो है जीवाणु, यानी परजीवी लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, दूसरे से भोजन ले, दूसरे से भोजन, इसका उदाहरण है माइकोबैक्टीरियम, माइको बैक्टीरियम। वही बात करें मृतजीवी, तो यानी इसमें जो पोषण तो होगा लेकिन मरे हुए शरीर से प्राप्त करेगा, मरे हुए शरीर से प्राप्त करने वाला जो है उसका एग्जाम्पल आपका बताइए मृतजीवी कौन है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टो बैसिलस। और सब जीवी, तो सहजीवी मतलब क्या है, म्यूचुअलिस्टिक्स है, जिससे दोनों का फायदा हो, दो बॉडी का फायदा हो, उसको हम लोग सहजीवी कहते हैं। और इसका उदाहरण के रूप में आप लिख सकना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कौन होगा बताइए, इसका उदाहरण है राइजोबियम, क्या है राइजोबियम, राइजोबियम। तो साथ ही यहां तक क्लियर हुआ, अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछा जाए, परजीवी का उदाहरण क्या है माइकोबैक्टीरियम, वहीं पे आपसे पूछ दिया जाए मृतजीवी का कौन है लैक्टोबैसिलस, और वहीं पे सहजीवी का आपसे पूछ दे तो आप राइजोबियम। तो ये याद रखा, जीवाणु में पोषण जो होता है दो तरीके से होता है, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी में दो तरीके से, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी का एग्जाम्पल क्रोमैटियम, और दूसरा है रोडोस्पिरिलियम। रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी में आपका नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनस जीवाणु के उदाहरण है जिसमें रसायन की उपस्थिति में भोजन को बनाएगा, ठीक है। विषमपोषी की बात करें तो तीन तरीके से लेता है, परजीवी यानी एक जीवित ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करेगा लेकिन जो जीवित ऑर्गेनिज्म उसको उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसके उदाहरण आपका माइकोबैक्टीरियम है ना, एस्चेरिचिया कोलाई आपने नाम सुना होगा, एस्चेरिचिया कोलाई ये भी आपका बैक्टीरिया है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वही मृतजीवी एक मृत शरीर से प्राप्त करेगा, लैक्टोबैसिलस जो उदाहरण है जीवाणु का, और वहीं पे सहजीवी जो दोनों को फायदा दे, ये एग्जाम्पल है राइजोबियम का, किसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, ये उदाहरण है आपका सहजीवी का, ठीक है। साथ ही आगे हम लोग बात कर ले, किसका करें ना, आगे बढ़े, समझ में आ रही है, क्लियर, बहुत अच्छा, ठीक। वहीं पे अब अगर आपसे बात किया जाए कि जनन कैसे होता है जीवाणु में, जनन यानी बायोलॉजी पढ़े और जनन ना पढ़े तो फिर बायोलॉजी हो जाएगा अधूरा, बायोलॉजी को इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे जनन, जीवाणु में जनन, जीवाणु में जनन है, जीवाणु में जनन, बगैर जनन के बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए ये संभव है नहीं है, रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो जनन होता है आपसे अगर पूछा जाए कि कैसा होता है, ठीक है, वही साइनोबैक्टीरिया में जो जनन वो अलैंगिक जनन होता है, वहां पे एक चीज थोड़ा सा माइंड में मेरे आ गया पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए कहा जाता है कि कुछ टॉपिक बहुत अच्छी चीजें होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइनोबैक्टीरिया में जनन जो होता है किसके द्वारा होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए, एक्निड के द्वारा, यानी अलैंगिक जनन होता है इसमें जनन, थोड़ा मैं यहाँ पे नोट करके लिख दूं क्या, जनन, हाँ इसमें जनन जो होता है अलैंगिक होता, असेक्सुअल, अलैंगिक जनन होता है, लेकिन कहे पूछेगा अगर से किसके माध्यम से होता, एकानीट, एकानीट के द्वारा होता, एकानीट के द्वारा, के द्वारा, ये थोड़ा सा माइंड रख लीजिए, एकानीट के द्वारा होता है जनन। यानी आपसे कह दिया जाए कि एकानीट क्या है तो एकानीट साइनोबैक्टीरिया में जनन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए तो इसमें जो होता है जनन, तो जनन कितने तरह से होता है बताइए, एक तो होगा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल जनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, और एक होगा आपका बोलिए क्या, नहीं बताइएगा, एक होगा आपका अलैंगिक जनन, दूसरा क्या होगा, एंडोस्पोरियम या एंडोस्पोर्स, और एक होगा लैंगिक सेक्सुअल, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, तो अलैंगिक जनन में जो जीवाणु से होता है मतलब इसमें तो पार्ट्स नहीं होंगे, एक शरीर टूट करके दो या दो से ज्यादा का निर्माण कर देगा, उसी को हम कहेंगे असेक्सुअल। तो इसमें कहेंगे इसमें जो होता है विखंडन के द्वारा होता है, डिवीजन के द्वारा होता है, और बैक्टीरिया के अंदर इतना क्षमता होता है कि अगर उसको अनुकूल हो
या प्रतिकूल, अगर बैक्टीरियम, कहने का मतलब जनन करने के लिए एटमॉस्फेयर फेवरेबल होना चाहिए। बैक्टीरिया के पास क्या है कि फेवरेबल हो या ना हो दोनों जगह रिप्रोड्यूस कर सकता है, और प्रत्येक 6 घंटा में लगभग 10 लाख जीवाणु जनन होते हैं, यानी इसमें जो है विखंडन के द्वारा होगा एसेक्सुअल। और अगर इसको कंडीशन मिल गया या कंडीशन नहीं भी मिला लेकिन अगर विखंडन करना चाहे तो 6 घंटा में लगभग 10 लाख जीवाणु को पैदा कर देगा। अगर ये बात किसी और अगर एनिमल्स में अगर पाया जाता या ह्यूमन में तो उसकी आबादी सोचिए कितना होता। जब यहाँ पे 1 साल में एक बार है, एक व्यक्ति है मानव का, तो आबादी इतनी है। अगर 6 घंटा में 10 लाख हो जाता तो सोचिए हर जगह व्यक्ति ही व्यक्ति होते हैं, पर कहाँ रखते हैं, पंख कहाँ फैलाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सोचने का विषय है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है। इसमें क्या होता है, एंडोस्पोर, मतलब स्पोर के द्वारा एक छोटा धब्बा दाग होगा, वही दाग धीरे धीरे फैलते हुए बड़ा हो जाएगा, तो मतलब वही जनन कहलाएगा। तो यानी पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, इंडोस्पोर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए। हाँ, इंडोस्पोर कहते हैं, यानी इसमें आएगा पोर, पोर डेवलप होकर के बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होकर के ये टूटेगा छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, भागों में टूटेगा। ठीक है, चलिए सेक्सुअल में, सेक्सुअल का भी कुछ पार्ट्स आते हैं, सेक्सुअल का पार्ट थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, लैंगिक जनन में जो होता है 3 तरह से होता है। एक होता है आपका, क्या होता है बोलिए, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन, कंजुगेशन, और एक होता है आनुवंशिक आनुवंशिक। ठीक है, ये बात थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। और एक होता है रूपांतरण, आनुवंशिक को ही हम लोग कहते हैं जीन जनन, जीन जनन। तो कंजुगेशन में क्या होता है साथी, तो कंजुगेशन में कुछ नहीं होता है, एक जीवाणु का कोशिका दूसरे जीवाणु का कोशिका आपस में मिलकर के नए का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कंजुगेशन कहते हैं। यानी एक कोशिका सेल सेल, लिखे ना, सेल सेल मिलकर के न्यू सेल बनाए, कोशिका कोशिका मिलकर के, एक कोशिका दूसरे कोशिका मिलकर के नए कोशिका मिला दे, उसी को हम लोग कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है ना, और जीन जनन ये क्या होता है कि एक इसमें क्या था, कोशिका मिला है और इसमें मिलेगा डीएनए, क्या मिलेगा, एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु का डीएनए मिल जाए और नए डीएनए का फॉर्मेशन कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, आनुवंशिक या जीन। रूपांतरण क्या कहते हैं, इसमें जो है रूप का चेंजिंग होता है, क्या होता है, रूप का चेंजिंग होगा। ठीक है ना, रूप का चेंजिंग हो जाएगा यानी दिखेगा ही नहीं, यानी डीएनए का अब जो है रूपांतरण होगा, उसी को हम लोग कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, रूपांतरण। 3 तरह से क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये वाला जीन जनन और कंजुगेशन सेल सेल का, इससे क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है और ना ही पूछने की संभावनाएं नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब साथ ही आपसे हमारे से सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि बैक्टीरिया कुछ फायदे वाला भी है और कुछ नुकसान वाला भी है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, अच्छे बैक्टीरिया की बात कर ले, लाभकारी जीवाणु, मिटाते हैं लिखा जाता है, लाभकारी जीवाणु, लाभकारी जीवाणु। ठीक है, तो लाभकारी जीवाणु कौन कौन है, एक तो हमारे पास नोस्टक का नाम सुना होगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, तो बताइए मिट्टी के लिए लाभकारी है कि नहीं है, जी हाँ साथी है। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, उर्वरता के लिए कौन आया, नोस्टक। तो ये नोस्टक जो हमारा जीवाणु है ये लाभकारी है। ठीक है, दूसरा आप सुने होंगे नाम, क्या सुने होंगे, दूध से दही बना, दूध से दही, इसको जमाने के लिए कौन आया, लैक्टोबैसिलस। लैक्टो ये करता क्या है कि लैक्टोबैसिलस जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन, जो प्रोटीन क्या होता है, कैसीन, याद रखें, कैसीन को तोड़ करके, कैसीन में जो छोटे छोटे प्रोटीन्स है उसको तोड़ करके एक जगह कलेक्ट कर लेता है, मिला लेता है, और इसको जो है
कैसिन से बना देता है दही कर्ड। इसमें उपस्थित प्रोटीन को तोड़, छोटे छोटे प्रोटीन को तोड़ के, कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कैसिन को, ठीक है, छोटे छोटे प्रोटीन को तोड़ करके दही बना लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड में रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं, तंबाकू आप खाते हो क्या, तंबाकू के पत्ते में जो खुशबू स्मेल आता है वो किसके कारण आता है, जीवाणु के कारण ही आता है। तो लिखेंगे तंबाकू के पत्ते में गंध, तंबाकू में गंध स्मेल जो आता है, स्वाद गंध स्मेल स्वाद वो किसके कारण आता है, ये भी आपका जो है बैक्टीरिया के कारण आता है, उसका नाम क्या है, बेसिलस मेथेनिजस कोकस, ठीक है, ये स्फेरिकल होता है। तो बेसिलस मेथेनिजस यानी याद रखने मेथेनिजिनस, ये थोड़ा तंबाकू में पाया जाता है। वहीं पे चाय की पत्ती की में बात करेंगे, चाय की पत्ती में उसमें होता है क्यूरिंग, उसमें स्मेल आता है, खुशबू आता है, यानी चाय की पत्ती में जो क्यूरिंग होता है, की पत्ती में क्यूरिंग, वो इसी के कारण होता है, क्यूरिंग जीवाणु के ही कारण होता है। कौन सा जीवाणु, तो यहां पे लिख लीजिए माइकोकस, माइकोकस माइकोकस कंडीशंस, ये था आपका चाय की पत्ती में क्यूरिंग का मामला, जो खुशबू आता है और पत्ती को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, क्यूरिंग, तो ये याद रख लीजिए। ये था आपका अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया भी है जो बीमारी का कारक बनता है, ठीक है, बीमारी का कारक बनता है, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। एक ऐसा भी है जो आपका रेशम जो होता है, रेशम को फिनिशिंग करने के लिए, उसके रेटिंग के लिए वो बैक्टीरिया लाभकारी है, तो उसको आप लिख सकते हैं रेशम रेटिंग, रेशम रेटिंग के लिए, उसकी सुंदरता के बढ़ाने के लिए आता है एक रेशम रेटिंग के लिए बैक्टीरिया जो हमारे लाभकारी है, उसका नाम होता है क्या, क्लस्ट्रिडियम ब्यूटीडियम, क्लस्ट्रिडियम ब्यूटीडियम, ब्यूटीडियम, ठीक है साथी, क्लस्ट्रिडियम ब्यूटीडियम, ये आपका रेशम रेटिंग के लिए यूज किया जाता है, ये सारे के सारे लाभकारी बैक्टीरिया है। वहीं पे आ जाते हैं हम लोग जो हानिकारक बैक्टीरिया है, हानि देने वाला जीवाणु, हानि कारक जीवाणु, हानिकारक जीवाणु क्या, जो बीमारी उत्पन्न करता हो वो प्लांट्स हो कि एनिमल्स हो, जैसे एंथ्रेक्स एनिमल्स में होने वाला बीमारी है, साइट्रस कैंकर नींबू में होने वाला बीमारी है, ये सब जीवाणु से होने वाला बीमारी है। तो यानी जो जीवाणु जो बैक्टीरिया बीमारी करा दे उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बोलिए बोलिए ना, हानिकारक जीवाणु। तो मानव में जो बीमारी होती है उसको जो है बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, तो उसको थोड़ा हम लोग ट्रिक बना करके लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं बताइए, हर दिल जो जीवाणु से होने वाला बीमारी, हर दिल सुकून से, हर दिल सुकून से, हर दिल सुकून से है यह प्यार का टाइटल है, टाइटल है, ये एक कोड है, ये ट्रिक है, याद रखिएगा क्या, हर दिल ये हर कंप्लीट किए हैं, दिल डिप्थेरिया, डिप्थेरिया डी फोर डिप्थेरिया, सू फोर सुयोगा, सुयोगा मतलब गोनोरिया, फीमेल में होने वाला बीमारी गोनोरिया, कुष्ठ रोग निमोनिया, एन फोर निमोनिया, से कंप्लीट हो रही है फोर हैजा, टॉप फोर प्लेग का कंप्लीट है, टॉप फोर टाइप यानी टाई टाइफाइड, टाइफाइड तपेदित, टॉप फोर तपेदित, तपेदित और तपेदित मतलब
टीबी ट्यूबरकुलोसिस, आट्या ई टॉप फोर टेटनस, टेटनस और है आपका ये कंप्लीट सेंटेंस क्या गया है। तो ये आपका ट्रिक था, हर दिल सुकून से है, यह टाइटल या प्यार का टाइटल है। ये ट्रिक याद रखिए, ये जो है जीवाणु से होने वाला बीमारी का नाम है। और काफोर यहाँ पे लिख सकते हो, उपिंग कप, उपिंग कप को काली खांसी भी कहा जाता है, तो यहाँ पे लिख ले काली खांसी, काली खांसी। तो एक ट्रिक याद रखेंगे, क्या ट्रिक याद रखेंगे, मानव में जीवाणु से होने वाला बीमारी क्या है, मानव में जीवाणु से होने वाला बीमारी का नाम है हर दिल सुकून से है, यह प्यार का टाइटल है। सुकून, सुयोगा, गोनोरिया, कुष्ठ रोग, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, टेटनस, ये सारे के सारे जीवाणु से होने वाला बीमारी है। तो ये थे हानिकारक बीमारी। अब साथ ही बात होगी हमारा किसकी, प्रोटिस्टा की। किसकी बात होगी, प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा कुछ नहीं है, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। इसका मतलब इसमें एक केंद्रक पाया जाएगा, अच्छे से केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। साथ ही अब यहां पे ये जो है मुख्यतः जलीय होता है, जल में भी रहता है, तो आप इसको थोड़ा सा बात कर सकते हैं क्या कि ये जलीय होता मुख्यतः, ठीक है ना। जल में रहना पसंद करता है, इसका आवास कहां है, जल, एक्वेटिक है ये, आवास है जलीय। इसके उदाहरण इसमें आने वाला कौन कौन है, तो आप सुने होंगे नाम शैवाल, शैवाल आपका प्रोटिस्टा का ही उदाहरण है। आप नाम सुने होंगे क्या, बोलिए, एक कोशिकीय कवक, उसका नाम है डायटम, डायटम, ये एक कोशिकीय है, एक सेल का बना होता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा क्या, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा में आने वाला है, ठीक है। चलिए ये होता क्या है, यानी आप जो है पोषण कैसे प्राप्त करता है, तो पोषण के बारे में लिख सकते हैं, ये पोषण जो होता है स्वपोषी है, क्या है, स्वपोषी, खुद से बनाता है, ठीक है। चलिए और तीसरा बात इसमें हम लोग कर सकते हैं, क्या करेंगे, पोषण हो गया, जनन, जनन की बात कर ले, जनन अलैंगिक होता, अलैंगिक होता। तो साथ ही यहां तक क्लियर हुआ, प्रोटिस्टा का ही एग्जाम्पल आपका अमीबा भी है, परामिशियम भी है, तो ये सारे के सारे जो है इसी में आता है, ठीक है ना। तो पोसी अमीबा की बात करेंगे, तो अमीबा जो है दूसरे से भोजन प्राप्त करता, चूंकि अमीबा एक एनिमल्स है, अमीबा क्या है, एनिमल्स है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है ना, क्या रखिए, याद रखिए, क्लियर। ये आपका सवाल कवक, ये सारे के सारे जो हो गए आपका, ये लिख लो यहां पे थोड़ा सा, कवक ये आपका स्वपोषी है। चलिए प्रोटोजोआ की बात करेंगे, परपोषी है, प्रोटोजोआ क्या है, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोटिस्टा में क्या सभी के सभी स्वपोषी होते हैं, नहीं, कुछ परपोषी होता है, कुछ स्वपोषी होता है। परपोषी कौन होता है, शैवाल, कवक, ये डायटम, ये आपका जो है एक कोशिकीय कवक को डायटम्स कहते हैं, ये सारे के सारे आपका जो है स्वपोषी है। प्रोटोजोआ की बात करें, अमीबा की बात करें, अमोइबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, ये सारे के सारे आपका जो है हेटरोट्रॉफिक है, क्या है, हेटरोट्रॉफिक, दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। तो साथ ही ये था आपका कहानी प्रोटिस्टा का। तो यहां तक आप थोड़ा जो है एक बार रिकॉल कर लीजिए, तो आपका साइनोबैक्टीरिया और प्रोटिस्टा ये कंप्लीट हो गया। आगे जो क्लास होगी हमारा फंगी और प्लांट्स किंगडम की, उसको हम लोग लेकर के आएंगे आगे, लगातार आप बने रहें, मुझे दीजिए इजाजत, फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर के। थैंक यू।